फेसबुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ रहे लोकतंत्र को खतरा, सोनिया गांधी ने कहा। पीएम मोदी पर थरूर का तंज, कहा सिर्फ बातें वाजपेयी की तरह करते हैं लेकिन बर्ताव नहीं। पीएम मोदी का कपिल सिब्बल पर वार, कश्मीर फाइल्स पर सवाल, G23 की बैठक में पहले ये बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। असम सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी दी कश्मीर फाइल्स देखने के लिए हाफ डे लीव, एमपी के पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, होने के बाद सुनवाई। आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बाइक के पीछे लगी प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखवाकर बोल देना, पाल साहब आए थे लिखना, तीन युवकों को महंगा पड़ गया। कानपुर देहात से युवक औरैया शहर के आनेपुर गांव स्थित साई मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कानपुर इटावा हाईवे से वो अंतरराम टोल प्लाजा की ओर बढ़े। इस बीच गश्त कर रही पुलिस की नजर पड़ी तो उन्हें रोका गया। नाम पता पूछते हुए नंबर प्लेट पर लिखे शब्दों के बारे में पूछा गया। वहीं आईपीएस अभिषेक वर्मा ने भी पोस्ट किया, इसमें पूरी बात बताते हुए ये भी लिखा कि ये तो वही बात हो गई, राह में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि तीनों युवक से पूछताछ की गई, इसके बाद कार्रवाई की गई। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार जारी है और इसी बीच अब आज 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे आ रहे हैं। सरकार के निर्देश पर जो है 12 साल से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। रायबरेली के जिला अस्पताल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरी स्टाफ जो है वो मास्क लगाकर कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो जो है टीकाकरण यहाँ पर कर रहा है। आपको बताते चले, आज से 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाने का अभियान चालू किया गया है। हमारे साथ एक बच्ची है जिसने अभी अभी जो है वो टीका लगवाया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिता श्रीवास्तव है। बेटा आपने जो टीका लगवाया, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 12 इयर्स है। 12 इयर्स है, तो टीका लगवाने के बाद कोई आपको तकलीफ या कोई दर्द नहीं हो रहा? कोई नहीं हो रहा है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं और बच्चों को आप? मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए और वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी से हम लोग को मुक्ति मिले। तो इस बच्ची का भी ये कहना है कि जो भी बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर आएं और टीका लगवाएं ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से सबको निजात मिल सके। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें किशोरी के पिता ने मदनपुर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं शिकायत किए जाने से गुस्साए दबंगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर किशोरी के मुंह में गोबर डाल दिया, जिसके बाद किशोरी का तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। एक लड़की जब गाय बांधने गई थी तो गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा लड़की की आंख में गोबर डालकर नीचे गिरा दिया और मुंह में मिट्टी और कपड़ा ठूस दिया। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त होने पर यह पता चला कि लड़की द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसी से क्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा दबाव बनाने की नीयत से उक्त घटना को किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जांच कराई जा रही है, साथ ही आज हुई घटना की तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई भी कराई जा रही है। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ।
खबर बांदा जनपद के तिंदवारी विधानसभा से बसहरी गांव से है, जहां दोनों दोस्तों में मतगणना के पहले हार जीत को लेकर शर्त लगाई गई थी। ये शर्त केवल मौखिक नहीं थी, कहा गया कि जो शर्त हारेगा वो अपनी बाइक या ऑटो जीतने वाले को देगा। बाइक सपा समर्थक के पास थी और ऑटो भाजपा समर्थक का था। दोनों ने शर्त को लेकर बकायदा 100 रुपए के स्टैम्प पर अनुबंध किया। मतगणना के बाद सपा समर्थक अपनी शर्त भाजपा समर्थक से हार गया और शर्त के मुताबिक सपा समर्थक को अपनी बाइक भाजपा समर्थक को देनी पड़ी। इसकी जानकारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गई, जिसके बाद शर्त हारने वाले अवधेश कुशवाहा ने बताया कि उसे अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया और चेक दिया। साथ ही यह भी कहा कि दोबारा शर्त मत लगाना, फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है? अवधेश कुशवाहा। अवधेश, क्या कैसे शर्त लगी थी आपको? जी, शर्त ऐसे लग गई थी कि चौराहे में बैठे थे हम दोनों लोग, तो वो कह रहे थे बीजेपी जीतेगी, हम कह रहे थे सपा जीतेगी, तो ऐसे में लग गई। तो वो बोला कि अगर सपा जीतेगी तो मैं अपनी टेम्पो दे दूंगा, तो हमने बोला बीजेपी जीतेगी तो हम अपनी बैग दे देंगे। रिजल्ट आने के बाद मैं हार गया, शर्त के मुताबिक मैंने गाड़ी उनके नाम कर दी। उसके बाद कैसे पहुंची अखिलेश तक बात? जी, ये तो मीडियम के माध्यम से ही बात उन्हें पता चली, तो उन्होंने हमें बुलाया, बुलाया हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें बैठाया, सम्मान दिया, उसके बाद उन्होंने हमें चेक भी दिया 1,10,000। अच्छा, उन्होंने जो सम्मान दिया वो सम्मान हमें कभी भी नहीं मिला। और क्या क्या कहा? कहा कि शर्त मत लगाना, सपोर्ट करना पार्टी को। कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ से लौटने के बाद? हमको अच्छा महसूस कर रहे हैं। राम के सर, ये बताइए किस तरह लड़का आपका शर्त जीता था, क्या हुआ था? अभी लड़के हैं, उन्होंने लगा दी शर्त, बाकी अपना ये जब हार गए तो उन्होंने गाड़ी उनके नाम कर दी। हम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने कहा जब अच्छा, अखिलेश ने बुलाया था, क्यों बुलाया था? अब मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो बात वहाँ तक पहुँची। तो आप भी गए थे मिलने? नहीं, हम गए। फिर क्या हुआ वहाँ पर? अब ये लड़का गया था, जो क्या दिया लड़के को? खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अहेर गांव में विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर युवती के परिजन पहुंचे, जिन्होंने युवती के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान परिजनों का कहना है कि मृतका के पति का किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध है। आपको बता दें कि मृतका के 3 बच्चे हैं और उसकी शादी 15 साल पहले हुई थी। सर, हमारे यहाँ ये हुआ, हमारी बहन को ये लोग दुखी रखते थे, किसी लड़के का चक्कर था, और हम लोग एक बार आए यहाँ की पंचायती करके, यहाँ गांव वालों ने कहा कि आप ढील जाओ, हमारी जिम्मेवारी पे मैं ढील गया। कल शाम को दीदी ने फ़ोन किया, मैं से मैं खाना बनाने जा रहा कि बाद में बात करेंगे आपसे। मैंने कहा बना लो खाना, बाद बात करें। 1 घंटे बाद हमारी भांजे ने फ़ोन किया, बोला मामा जी मेरी मम्मी को पापा मार रहे हैं। थोड़ी देर कॉल किया कि उन्होंने मार डाला, वहाँ पर लेट के भाग गए सब लोग। हमें तहरीर मेरे भांजे ने दी, हम तुरंत यहाँ पापा आए, यहाँ पर कोई मिला ही नहीं। अच्छा, यहाँ सभी लोग भाग गए हैं? सभी लोग भाग गए सर, और जो बहनों ही मारे हैं वो थाने में, वो वहाँ पे सर बने। रायबरेली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एमएलसी चुनाव के नामांकन शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में एमएलसी पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट वायरल हो रहा है। हर कोई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को टिकट मिलने की बधाई दे रहा है। वहीं जिले की नजरें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर टिकी हुई है। वहीं इस दौरान इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस बार रायबरेली से समाजवादी पार्टी का एमएलसी जीत कर जाएंगे। अब हर बार से अलग चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता हुआ मेरे पक्ष में आएगा, ये बयान दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्षता पे जो प्रश्न है वो प्रश्न तो लगा ही हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी इस बात से कभी भय नहीं खाई है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे जो भरोसा है हम लोगों का, और उनका जो हमेशा उनके अंदर जो एक है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल उन्होंने हमेशा बढ़ाया है, तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम समाजवादी पार्टी ने जो निर्देश दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आज हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है, तो समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की बदौलत रायबरेली में जहाँ हम एक तरफ अच्छी सफलता भी विधानसभा के चुनाव में हासिल किए और हमको सबसे अधिक वोट मिला, चाहे सदर विधानसभा हो चाहे जहाँ भी हो, अगर हम पराजित भी हुए बहुत थोड़े वोटों से हुए, तो जो रायबरेली के मतदाताओं ने और रायबरेली की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पे जो भरोसा कायम किया है
उसी भरोसे पर हम इस स्थानीय निकाय का जो MLC का चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुझे प्रत्याशी बनाया गया है निश्चित। जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के नवीगंज चौकी में आगामी होली और शब्बे बारात त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान CO चंद्रकेश सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली और शब्बे बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाते हुए भाईचारे के साथ दोनों त्योहार मनाएं। वहीं बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने लोगों को बताया कि त्योहार वाले दिन अपने बच्चों को वाहन न दें क्योंकि उस दिन ज्यादातर लोग नशे में रहते हैं। आगे थाना अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू मुस्लिम और अन्य समाज से अपील की है कि वो होली और शब्बे बारात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आज यहां नवीगंज चौकी पर आगामी होली का त्योहार और शब्बे बारात त्योहार के दृष्टिगत इस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया था। चूँकि होली 17 तारीख को हो रही है, होलिका दहन है, 18 को होली खेली जाती है, 18 को जुमे की नमाज़ भी है, लोगों से आह्वान किया गया है कि दोनों संप्रदाय के लोग खुशहाली से एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपना अपना त्यौहार मनाएं। 18 की रात को सभी बारात का त्यौहार होगा, इसमें रात की जागरण होता है और मैनपुरी में 19 तारीख को होली खेली जाएगी। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग शांतिपूर्वक होली खेलें, अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि किसी प्रकार की अराजकता। खबर बहराइच से है जहां नानपारा मार्ग के बजाज एजेंसी के पास अपना दल के SK नवनिर्वाचित विधायक राम निवास वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। विधायक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने ड्राइवर सीट की तरफ ईंट से अचानक हमला कर दिया। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक राम निवास वर्मा अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके असवा से वापस नरसिंह डीहा जा रहे थे, तभी हमलावरों ने ईंट से उनको ऊपर हमला कर दिया और हमले में ड्राइवर सहित विधायक राम निवास वर्मा बाल बाल बचे। आज शाम 8:30 बजे के करीब माननीय विधायक नानपारा से बहराई जा रहे थे कि मडरा चौराहे के पास जो मोटरसाइकिल का शोरूम उससे आगे चरसंडा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर किसी ने माननीय विधायक जी की गाड़ी पर पत्थर मार दिया जिससे माननीय विधायक जी की गाड़ी का साइड बैक मिरर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में किसी को कोई चोट इत्यादि नहीं आई है। इस हादसे की तहरीर माननीय विधायक जी द्वारा दी गई है जिस पर FIR दर्ज की गई है और इसमें टीमें गठित की गई हैं। अतिशीघ्र अवैध खनन के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। जहां 2 दिन पूर्व खनन माफिया की पुलिस को सूचना देना युवक को महंगा पड़ गया, वहीं खनन माफियाओं ने भाजपा सांसद के समधी के बेटे पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने युवक के ऊपर सरिया और लाठी डंडों से हमला किया। घायल युवक ने खनन माफियाओं पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। घायल युवक को आनन फानन में CHC कायमगंज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है और जहां युवक का इलाज जारी है। परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर खनन माफियाओं को शह देने का आरोप लगाया है। बता दें कि कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव उलियापुर का मामला है ये। आज उसकी की बुराई को लेकर इन्होंने मेरा बच्चा स्टेशन पे दूसरे चाचा मेरे भाई के बच्चे रहते उन्हें मोटरसाइकिल उनके कमरे छोड़ने गया था। उसे छोड़ के वापसी लोटे ब्लॉक के पास इनने कई लोग इकट्ठे होकर जानलेवा हमला बोल दिया। किन लोगों ने हमला किया? मनोज और भी साथी थे उनके? क्या उनके साथी अन्य उनका मनोज का भतीजा संकित नाम किया वो वही। कितने लोग होंगे अंदाज? कितने लोगों को पहचानता वो तो बेटा वो अच्छा बताया। अच्छा तो काफी मनोज रेणु 8 नंबर का आदमी अभी जिला बदर भी रहा। अच्छा, अच्छा। उसे इंस्पेक्टर साहब बहुत लिफ्ट देते हैं। अच्छा। और उसके कहने पर पैसे की लालच में उल्टा सीधा कुछ देखते ही नहीं। अच्छा। ये सरकारी खनन पहले तो JCG का आदेश नहीं तो बता दिया, सूचना दिया तो आपको बताना चाहिए। सर कुछ नहीं, मैं तो अपने ताऊ घर से आ रहा था, अचानक घर के मोटी राह दे थी। क्या हुआ, क्या मतलब लड़ाई हुई, क्या हुआ, आप कैसे, क्या हुआ? नहीं अरे ये 2 दिन पहले खनन पकड़ा गया था, खनन की सूचना दे दी तो उसी रंजीत से। किन हमारा नाम बताया? जी सर करीब 15 लड़के थे। मारा किसे? उसमें हमने 8 लड़कों को पहचान लिया। नाम बताओ। मनोज गंगवार, सुबोध गंगवार,
अनु गंगवा। अच्छा तो मारा किसे आपको, मारा किसे? राडे थी सर। हाँ? और मोटे मोटे रखते थे। हाँ? एक फायर किया, उसी फायर से हम बैठ गए, ये गणपति में लपट गए। अच्छा फायर भी किया ऊपर? जी जी। अच्छा पुलिस पहुंची थी? पुलिस नहीं पहुंची सर, हमें एकदम हमारे फोन की। अमेठी कोतवाली के राजापुर मजरे गुंगवाच गांव में राम दुलारे और संकटा प्रसाद यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन पूर्व ही पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच थाने पर सुलह समझौता कराया था। इसके बाद मंगलवार को संकटा प्रसाद के बेटे हनुमान इस विवादित भूमि पर मोरंग गिरवा रहे थे। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद रात करीब 8:30 बजे के आसपास राम दुलारे पक्ष के लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर अमरेश की ओर आए और हमला बोल दिया। वहीं इस हमले में पूर्व प्रधान, उसके माता पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल मामले में आईजी रेंज अयोध्या खुद मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आईजी ने तत्काल प्रभाव से कोतवाली निरीक्षक एसआई को सस्पेंड कर दिया है। हमारे साथ घटना घटी है भैया, हमारी जगह हम बना रहे हैं घर, उसको रोकने गए थे, मार दिया सबको। कौन मारा? सुलारे मारा, अखिलेश मारा, ब्रजेश मारा, नितिन तिवारी मारा। कितने लोग घायल हुए आपके परिवार के? हमारे परिवार के, हमारे ससुर घायल हो गए भी हो सा, हम दूठी प्रधान हमारे खत्म हो गए, जेठऊत हमारे और हमारे हनुमान जेठऊत वो भी हो सा है, हमारे प्रधानी धनु देवी जेठानी वो भी हो सिया है, प्रधान के बेटवा राजा है, उनके बहुत गहरी चोट नोक लाग गया। दो पक्षों में एक ही गाँव के दोनों पक्ष से यादव लोग थे और उनसे आबादी की जमीन को लेकर विवाद था, मारपीट आपस में हुई है, तो दोनों पक्षों के लोग घायल हैं, एक पक्ष के लोग ज़्यादा घायल हैं और 3 लोगों के मरने की सूचना है। कुछ लोग वहाँ जो हॉस्पिटल भेजे गए वहाँ से उनको डिक्लेयर डेड कर दिया गया और जो लोग घायल हैं सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया, कुछ को रेफर कर दिया गया, कुछ का इलाज मौके पर किया गया। तहरीर मिली है सर? अब तरीका देख लेते, मौके पर हम जा रहे हैं, हम कप्तान साहब मौके पर जा रहे हैं। गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है, जो जो जिन्होंने अटैक किया है मेन रूप से उनको, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी निर्ट है। आज दिनांक 15 तारीख को शाम के समय ग्राम पूरे राजापुर गुंगवाच थाना अमेठी में यादव पक्ष के 2 पटीदारों में जमीन के आपसी विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और शेष करीब 5-6 लोग घायलों का इलाज चल रहा है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां से रेफर किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभी तो गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना में शामिल अभी तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सिद्धार्थनगर में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना की धारणा से अब जॉब कार्ड धारक मजदूर ही गायब हो रहे हैं। मामला नौगढ़ तहसील अंतर्गत विकासखंड बर्डपुर के पास का है, जहां पर प्रधान और सचिव की ओर से मनरेगा का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है और वर्क डिमांड के बाद भी मजदूर बेकार बैठे हैं। वहीं यहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान और सचिव पिछले 10 दिनों से गांव में मिट्टी का कार्य करा रहे हैं, पर उसमें मनरेगा के जॉब कार्ड धारक कार्य नहीं कर रहे हैं, वो ठेकेदार के मजदूर हैं। देखिए, आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है, हम इसकी जांच कराएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहां काम अच्छा कराया जाएगा। इस बाबत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी और वीडियो साहब ये कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम जांच करवाते हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर सर, जब हमको कोई नहीं सूचित किया, नहीं कोई बुलाया, तो हम अपने आप कहाँ जाएंगे? तो आप सबको कोई तकलीफ नहीं है इस बात को? क्यों नहीं सर, हमारे पास जॉब कार्ड है तो उसे लिया, उसमें तकलीफ क्यों नहीं है? मतलब बेरोजगारी घूम रहे हैं तो आपको तकलीफ है इस बात को लेकर? जी, तकलीफ क्यों नहीं? लगभग कितने लोगों का यहाँ होगा कार्ड? कम से कम होगा 10-12 का जॉब कार्ड है। 10-12 यहाँ जो है परसा, ग्राम पंचायत परसा में बहादुरपुर गांव में बाउंड्री वाल का काम कराया जा रहा है, तो बाहर से मजदूर बुला के कराया जा रहा है। आपके पास किनाई वाला इन थमरे कैसे करेंगे? तो आपको तकलीफ है इस बात को लेकर? है ना, तकलीफ है। अगर बुलाते, आप बेरोजगार हैं इस समय? हाँ, हमारे खेती बाड़ी ना है, हमन के का वाला परेशानी है, तो जो हमें सुनाई कहा हमारे कैसे जावल जा, हमारे तो हेरी था कि मतलब आपको कार मिले। हाँ, हमारे कारोबार में नहीं हो कि मैंने हेरी था कि मैंने कार कैसे मिला, कैसे दिया खावा जा।
ये मामला संज्ञान में आया है, इसके संबंधित सचिव का स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसके उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया, उसके बाद जो भी होगा। नेपाली हाथियों के एक झुंड ने कतरनिया घाट जंगल क्षेत्र में काफी देर तक उत्पात मचाया। इसके बाद कई हाथी सड़क पर आ गए और वहां डेरा जमा लिया, जिसकी वजह से इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को करीब एक घंटे तक परेशान होना पड़ा। इसकी सूचना पाकर वन कर्मी भी मौके पर पहुंच गए, फिर किसी तरह हाथियों को सड़क से हटाया गया, तब जाकर रास्ता साफ हुआ। खबर फतेहपुर से है, जहां किसान और लेखपाल अपने सामने आ गए और आमने सामने आ गए दोनों, और वहीं दोनों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों के द्वारा रिश्वत देते समय का वीडियो आने के बाद ये विवाद बढ़ गया। वहीं नोकझोंक में किसान का मोबाइल भी टूट गया है। बता दें कि किसान से लिखा पढ़ी कराने के नाम पर रिटायर्ड लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगे जाने का आरोप है, जहां किसानों को धरने से उठाने पर पुलिस और किसानों के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। साथ ही जनपद के सदर तहसील परिसर का मामला बताया जा रहा है। और इसके बाद हम खसरा बनवाने लेखपाल के पास गए तो वो पैसा मांग रहा था, वो कम से कम 1000-2000 रुपए मांग रहा था। इसके बाद हमने वीडियो बनाया, उसने मोबाइल फेंक दिया, टूट गया मोबाइल हमारा। इसके बाद अभद्र गाली दे रहा था, कहते हैं हमको ढकेल दिया, मोबाइल ले लिया था, कहते हैं हमने अपने संगठन को बताए तो लोग गए, युवा के नहीं आ रहा था, कहते हैं इसके बाद ये युवा। आज हम लोग धरने पर इसलिए आए थे क्योंकि 21 तारीख में जब जिले की बैठक हुई थी हमारी, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजेश चौहान जी थे, उनके समक्ष मामला आया तहसील का। ये तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसी के वरासत पैसा मांगा जा रहा है, किसी खतौली पैसा मांगा, किसी पैसा मांगा जा रहा है, और तमाम लोग ऐसे जो 2000-3000 रुपये दिए बैठे हैं तो 2 साल से उनकी वरासत नहीं चढ़ी, लेखपाल ने चढ़ाई गई है। एक मामला सहाय का है फाइल में नाम दुरुस्ती का, वो सबने अपनी पेपर लगा दिया, लेकिन नायब जो तहसीलदार के यहाँ वो हैं पेशकार, वो 2000 रुपये मांग रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ तीनों तहसीलों पर हाथ धरना दिया था। ये एक रिटायर्ड लेखपाल हैं जो बना वहाँ हरिरामपुर में तैनात थे, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा ले लेके यहाँ काम कर रहे हैं। इतने लेखपाल हैं लेकिन उनका काम अभी तक बंद नहीं हो रहा है। बस इसी बात को जब हम लोग जाना तो पैसे मांगा तो मोबाइल फ्रेंड छीन लिया। ड्रामा हो रहा है एक रिटायरमेंट लेखपाल जी, उनको आज तक गाँव का आदमी यही नहीं जान पा रहा कि रिटायरमेंट, और भयानक वसूली और दलाली का काम करते हैं। जब यहाँ कार्यकर्ता है पता चला कि ये तो रिटायरमेंट है, तो उनसे जो लोगों ने पैसा दिया था उसकी वापसी की बात किया, उस पर उन्होंने थोड़ा सा गाली गलौज कर दिया, उसी पर ये लपटा झपटी है, दुनिया भर का तमाशा हुआ। मतलब जब लपटा झपटी हुई है, मारपीट की? नहीं, मारपीट नहीं, लपटा झपटी। तहसील के मामले थे, पुलिस के थे, बिजली के थे, जो भी थे सब इशू पे बात हो रही थी। तो लेखपाल साहब से इनकी बात हुई जो रिटायर हैं, जो अवैध वसूली के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे उनका रोल कुछ नहीं है। इनको भेजा गया कि आप मिल आइए, वहाँ पे गए बंद कमरे में, इनके साथ अभद्रता की गई, मोबाइल फेंका गया, मोबाइल छीन भी लिया गया। इसके बाद ये आके संगठन के मंच में बताया कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है मेरे साथ, तो हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने भेजा कि जाओ मसला देखो कैसे का है। हम लोग गए वहाँ पे, जब मोबाइल की बात की तो क्या मोबाइल हमारे पास है ही नहीं, फिर जबरदस्त सामने हमारे मोबाइल इनका रखा है। इसके बाद जब बात हुआ तो वहाँ पे कम से कम 4-5 लोग थे, 4-5 लोग होने के बाद हम भी कुछ लोग थे, लेकिन बातचीत हुई, इसके बाद वो भी छीना झपटी में हुए, हम भी छीना झपटी में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।